कोई भी व्यापार जब शुरू करे तो सबसे सलाह जरूर लेना चाहिए और सब लै भी तो हम जत भी अपन सर कुटुम्ब या अपन आदमी दोस्त महिम लग गए कि हम बिजनेस स्टार्ट कर कैल्छी तेना सौ में से नब्बे आदमी के भले कि नहीं व्यापार नहीं करूँ ब्राह्मणक लड़का व्यापार नहीं करे चैलेंज के रूप में लिए ला कहीं जिद्दी स्वभाव के हम कि नहीं हेतु तो करबे कि एक मन में रहे भाई कोई कर सकते तो हम कि नहीं कर सकती आ, हर वर्ग के लोग हर समाजक लोग व्यापार कर रहे ब्राह्मण के बच्चा व्यापार कि नहीं कर सके? ये हम जिद ओहो में रियल एस्टेट के कारोबार में आ, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब जनरल व्यापार में ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग में और रियल एस्टेट में बहुत के डिफरेंस डिफ्रेंस व्यापार में सब नहीं जा खास करके ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं हम वह व्यापार के चुन चुनलिए चूँकि शुरू से सपना रहे हमारे अपन खुद के घर नहीं रहें घर नहीं रहते जीत भी रहे कि भाई हम अपना घर घर के साथ साथ और भी लोगों को हम घर मुहैया कराएंगे ये हमारे एक ड्रीम रह शुरू से बचपन से और बहुत कष्ट में हमारा पढ़लो लिखलो एक चीज़ और अंत समझाना चाहिए कने व्यक्तिगत सवाल, सवाल, जे इस सवाल है व्यक्तिगत सवाल अ कौने क्यों अ सवाल से हमूँ जूझ रहा और अहू जुझलो खासकर एक कम्फर्ट जोन हो में जे, आ, आ, दस से छ के नौकरी या नौ सौ पाँच के नौकरी वही के बाद अँसा से एक घर परिवार बच्चा गाड़ी इत्यादि एक मासिक सैलरी तक से निकल के जखन नया कर चाहिए तो सबसे सब पहल जी इनसिक्योरिटी पत्नी पिता माता पिता सब के या परिवार से जुड़ल लोग के हो बहुत दिन तक परिवार अह रिकगनाइज नहीं कबाजी किओ पे चैलेंज छे कि बहुत हमारे तो हम बताबी टेन्थ हम पास करबे कि नहीं करबे करबर घर में सबके शंका रहे कि दसमीयों में पास कर सकते कि नहीं कर सकते लेकिन हम लोग के कमेंट सुनिए और जो कमेंट हमें बहुत बड़ा फायदा कर लग टेबलेटक काम कर लग जना लगक लिए कि लड़का मैट्रिक भी नहीं कर सकते तो फिर वहां चैलेंज के रूप में ले लिए कोई लो के नहीं व्यापार नहीं कर सकते घर के सब ईंटा बिक तो जो सब चीज़ के हम सुनलिए खाली लेकिन जवाब नहीं दिलिए भी कलिए चैलेंज हमें नहीं मिलती है शायद हम एठा नहीं पहुँच पा सकती है और हमारा बहुत तरह के हडल से ले व्यापार में भी सबके सामना करे था हम आगा बढ़ल और यदि अंत ठान ले मन में जिद और जुनून है अंत कुछ भी कर सकती जय मिथिला हम ललित नारायण झा और अपने लोनिक स्वागत कर कह रही मिथिला मिरर में हमरा सब हमारा साल पूर्व जब बात करी तो एक सहज शब्द से अपना जैसे अपनासभा या खासक कही जे आम मैथिल के लिए एक शब्द बहुत सहजता से जे मैथिल के डीएनए में व्यवसाय केनाई नहीं है और खास जहाँ जो जे छे से अपना नाम के पाछा में जझा मिश्रा ठाकुर इत्यादि लगवित तो तखन ते नहीं मुदा विगत जे छे से कि साल में हमरा सब खास मिथिला मिरर पर बहुत रास काज कशिश कर तीस सितम्बर दू हजार अठारह गांधीनगर अहमदाबाद भाट जे से जे जे से हमरा सब के हर मिरर नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव भेल छल कॉन्क्लेवे खासकर एंटरप्रेन्योर या व्यवसायी लोकन के जे हमरा सब मैथिल पुत्र पुत्री सब के जे खोजबाक तकबाक जे सिलसिला शुरू कैने वो एक सार्थक संवाद जे से पाक दोपटा के अलावे व्यवसाय पर बातचीत हुए लगे अलग अलग समिट के रूप में अलग अलग सेमिनार के रूप में चाहे वो ऑनलाइन होए ऑफलाइन होए तो एखन हमरा सब सुपौल में छी सुपौल जिला के छातापुर है और अठान आइ हमरा संगे जे जी से एकटा एहने मैथिल पुत्र छे, जे साधारण सन करियर से अपन जे जीवन जीवनयापन है व्यावसायिक यापन, यापन तक शुरुआत करे और आइ बढ़िया उद्योगपति के रूप में अपन पहचान बने पैनोरमा ग्रुप जे जब चिन्हित नाम भ गेल खासक क्षेत्र में जे पूर्णिया खासक वही जगह पर रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक मैसिव चेंजेस आनलक एक परिवर्तन आनलक और ते के बाद जे से पैनोरम के बहुत राश शाखा सब अलग अलग क्षेत्र में से हो गया जैसे स्कूल जा में हॉस्पिटलिटी अर्थात होटल्स वह में हॉस्पिटल्स अ तमाम तरह चीज़ में जे से लगातार के पैर ही अहर पसारि और ए कंपनी के जे कर्ता धर्ता है संजीव जी एख संजीव मिश्र हमारे संजीव भाई बहुत बहुत स्वागत मिथिला में बहुत बहुत धन्यवाद अंत अलो हमारे बहुत निक लागल और हमारे शुभकामना कि सब आगा बढ़ू और अपन क्षेत्र में मिथिला के जी बच्चा सब बढ़िया कर रहा है वो खोजू और मोरल बूस्ट करियो कि ताकि वो आगा बढ़े व्यापार के क्षेत्र में आ, बहुत बढ़िया बात है। जे लोग सबके चिन्हित करू करूँ व्यापार के क्षेत्र में बढ़िया कह रही बहुत बढ़िया बात सबसे सब पहले सफर के शुरुआत करे कारण बातचीत में कहालो साधारण परिवार से निकलना और के बाद जो चैलेंजेस हो कमोवेश जो सब लग हुई छे से लग छल तो से अठन का यात्रा के हम चाहब चाहबे संक्षेप में ओकरा बता बताबी देखियो सबसे पहले तो अँ के माध्यम से हम यूथ के एक मैसेज देवे कि व्यापारी वर्ग जो जना कोई व्यापारी है तो हमर जो बच्चा है जे नेक्स्ट जनरेशन जेनरेशन तो देखिए शुरू से व्यापार तो वही धीरे धीरे बचपन से दिखम माइंडसेट रहे नहीं कि हमको ऐसे खरीदना है ऐसे बेचना है ऐसे प्रॉफिट लेना है लेकिन जना हमरा सब, सब एकटा बहुत मिडिल क्लास की लोअर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करे और हमरा सब कहो व्यापार के बी भी नहीं जानल बिजनेस के बी भी कहो नहीं सुनलिए आ पढ़लो लिखलो गाम से फिर हायर एजुकेशन के लिए बाहर गलो नौकरी भी करलो तो व्यापार के बारे में किस भी अनुभव नै रहे जब व्यापार शुरू कर लिए त पहिलुक लिये हमरा लॉस भेल लेकिन फिर कहिए नै हम ओकरा सर्वाइव करे फिर किस दिन नौकरी कर फिर हम कह नहीं हमको व्यापार ही करना है तो हम अपन काम स्टार्ट कर लो तो कोई भी व्यापार जब शुरू करे तो सबसे सलाह जरूर लेना चाहिए और सब लै भी तो हम जत् भी अपन सौर कुटुम्ब या अपन आदमी दोस्त महिम लग गए कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहा तो तौ में से नब्बे आदमी के भले कि नहीं व्यापार नहीं करूँ ब्राह्मणक लड़का व्यापार नहीं करे तो चीज चैलेंज के रूप में ले लिए ला कहीं जिद्दी स्वभाव के छी हम कि नहीं हेतु करवे कि एक मन में रहे जो भाई कोई कर सके सकते हम कि नहीं कर सक हर वर्ग के लोग हर समाजक लोग व्यापार कर रहा है ब्राह्मण के बच्चा व्यापार कर सके ये हम जिद ओहो रियल में रियल एस्टेट के कारोबार में ये तो बहुत ज्यादा मतलब जनरल व्यापार में ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग में और रियल एस्टेट में बहुत के डिफ्रेन्स हो व्यापार में सब नहीं जाए आ, खास करके ब्राह्मण तो बिल्कुल भी नहीं वह व्यापार के चुन चुनलिए चूंकि हमारे शुरू से सपना रहे हमारे अपन खुद के घर नहीं रह तो अपन घर नहीं रहते जीत भी रहे कि भाई हम अपना घर घर के साथ साथ और भी लोगों को हम घर मुहैया कराएंगे ये हमारे एक ड्रीम रहे शुरू से बचपन से और बहुत कष्ट में हम सब पढ़लो लिखलो एठा जी स्कूल में अगर जब स्कूल में अपना सब बैसल स्कूल के भी कहानी है चूंकि इस क्षेत्र में स्कूल नहीं को सी बी एस ई स्कूल तो यो एक हमारे सपना रहे कि हमारे गाँव में भी स्कूल बने तो हम व्यापार के बड़ा चैलेंज के रूप में ले लिए और बहुत स्ट्रगल कर लिए बहुत संघर्ष कर लिए और लिएके आशीर्वाद से सबके मदद से आए अपन क्षेत्र में पेनोरमा एक बढ़िया नाम कर लग और एक मैसेज भी दिलिए कि भाई कोई भी चीज़ कहीं से भी हम शुरुआत कर सकते हैं अच्छा एक चीज़ और अंत हाँ समझाना चाहब कने व्यक्तिगत सवाल से व्यक्तिगत सवाल अदरें कतो ने सवाल से हमूँ जूझ रहा और अहू जूझल खास कम्फर्ट जोन हो दस से छः के नौकरी या नौ से पाँच के नौकरी वही के बाद अगे से एक घर परिवार बच्चा गाड़ी इत्यादि एक मासिक सैलरी तकरा से निकल के जखन जख कि नया कर चाहे तो सबसे सब पहले इनसिक्योरिटी पत्नी पिता माता पिता सब के या परिवार से जुड़ल लोग के हो बहुत दिन तक परिवार के रिकॉग्नाइज नहीं कब्जे कि पेत चैलेंज चल कि बहुत हमारे तो हम बताबी टेन्थ हम पास करबे करब नहीं करबर घर में सबके शंका रहे कि दसवीं पास क्या सकते कि नहीं क्या सकते लेकिन हम लोग के कमेंट सुनिए और जो कमेंट हमें बहुत बड़ा फायदा कर लग टेबलेटक काम कर लगक जना कि लड़का मैट्रिक भी नहीं कर सकते तो फिर वो चैलेंज के रूप में ले लिए कोई कहल के नहीं व्यापार नहीं कर सकते एक घर के सब ईटा बिक तो जो सब चीज़ के हम सुन लिए खाली लेकिन जवाब नहीं दिलिए क्योंकि ना आ, वो यदि चैलेंज हमें नहीं मिलती है तो शायद हम अठा नहीं पहुँच पा है और बहुत तरह के हडल से ले व्यापार में भी सबके सामना करे हम आगा बढ़ल और यदि अंत ठान ले मन में जिद और जुनून तो अभी कुछ भी कर सकते रियल स्टेट के काज करब एक सोच और बिहार के पहल डिजिटल होम्स बनेवा सपना जैमें फुल्ली से, से सेंसर्ड बेस्ड चीज है कत से सोच एल और एग्जिक्यूशन जी से एक कोना हो बताबी हम दो हम 2016 में पूर्णिया में काम स्टार्ट करलो और रियल एस्टेट में एक आय के डेट में यदि अंत सोसाइटी बनाबी तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है कि पंद्रह परसेंट अफोर्डेबल हाउस भी बनवा पड़त मैंनेडेट्री है आ यदि वो चीज़ के अंत फॉलो नहीं करबे तो बाद में अगर दिक्कत होते तो पंद्रह परसेंट एफोर्डेबल हाउस नहीं बनाकर और ओकरा हम तादाद में बने लिए कि भाई गरीब कम आय के लोग भी से अं घर ला सके और लगभग दू साल तीन साल हम बिजनेस कर लो व्यापार कर लो और हमरा हमारा ये जूि जब बिजनेस हर हाँ रियल एस्टेट के करे कोई भी बिजनेस में जना भी मीडिया में तो अपना आपके एक्सप्लोर करे पड़े अपग्रेड करे पड़े तो ओ लेल जे टॉप टेन बिल्डर से वो फॉलो करे जना जैना के चैनल है तो अहू भी चाहे देवे कि कोई बड़ा चैनल है तो ओकरा फॉलो करी वो की करे कि कर अपना आप में की चेंजेस कर रहा है तो सब अपन बिल्डर के देखिए अपडेट करे तो ओकर लेल हम जगह जगह हमरा सब भ्रमण करे और जना जोधपुर जयपुर बैंगलोर भी मेट्रो सिटी है जाए भाई वो बिल्डर कैसे काम कर रहा है चूंकि दुनिया कॉपी पेस्ट रहा है देखे। 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 सब गलो तो एक जोधपुर में और सीकर में देख ली कि ई होम तो ई होम के कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छा लाग लिया। बहुत देखियो महंगा चीज है लेकिन बाद में सस्ता भाई जी। कि सस्ता भाँ खरीदे महंगा जन पेट्रोलक गाड़ी सस्ता मिले है, लेकिन औरटेनेंस महंगा है तहिना ई होम जे जैसे अ खरीदे महंगा लेकिन मेंंटेनेंस बहुत सस्ता है जेना बिजली के बिल कम आबा है या एहन ढंग के बहुत एहन चीज है अंक बाद में मेंटेनेंस में सस्ता पड़त तो हमर भी सपना रह बिहार में नहीं है स्मार्ट होम बना और लेल हम प्रयास कर हमरा दिक्कत जरूर भेल चूंकि सोर्सिंग के बहुत प्रॉब्लम रहे प्रोफेशनल लोग नहीं रहे एग्जिक्यूशन कोना करबे ओकर लेल आदमी चाहिए मैन पावर चाहिए तो हम जगह जगह गलो सामान और उ प्रोजेक्ट अपन सक्सेस किया हम अभी धनतेरस में एक लॉन्चिंग भी कर लिए टफ जरूर रहे लेकिन असंभव नहीं रहे काम भले पूर्णिया जो खासक अगर हम तीन चार केन्द्र छी बिहार के और खासक अगर मिथिला में ओकरा विभाजित करे छी तो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में हम मुजफ्फरपुर के देखे दरभंगा माने मानित और पूर्वी जे मिथिला के पूर्वी भाग है ता में पूर्णिया समृद्ध सबसे नम्हर सबसे से आ, एक इकोनॉमी डेवलप कह रहे तो जे से कहो को चैलेंजेज एल मतलब अगर हम घर बना फिर खरीदार छे तकर कह किल्लत या फिर किछ चमत्कारिक व्यावसायिक दृष्टि देखियो हम बताबी हकीकत जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो रोटा तो हमें उम्मीद नहीं रह कि बड़ा पॉकेट साइज है बायर ठीक है बाढ़ होना चाहिए चूँकि पाँच सात टा जिला पूर्णिया पर आधारित रीजन हुँ, हुँ. और ऑटोमोबाइल्स और अँकल मेडिकल, चूँकि मेडिकल के बहुत अच्छा स्कोप है उस अलावा भी चूँकि भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है के पूर्णिया रीजन की बगल में के बंगाल है नेपाल है बांग्लादेश है और नॉर्थ ईस्ट के गेटवे हो मतलब जिनका भी बाय रोड अर्थईस्ट जा जब तहाँ गेटवे भैगे पूर्णिया के एंटर करे पड़त और अलावा भी बहुत स्कोप है रोजगार के एजुकेशन में हेल्थ में ऑटोमोबाइल्स में बहुत अच्छा स्कोप है तै ला सब पूर्णिया चुनलिए और अश्चर्य लगत कि जत्ते जते सब फ्लैट बनलिए विला बनलिए डिमांड है मतलब बायर बेसी से सप्लाई कम है तो आबे वाला समय में वो जिला वो जिला बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। और स्कोप भी बहुत छे और सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं हर सेक्टर में स्कोप है पूर्णिया में और हमारा लगे कि जते हमारे मकान एखन बना थ्री टाइम्स फोर टाइम्स भी बने और दस टा बिल्डर आते तो मकान के कम कमिए रहते डिमांड बहुत छे ई तो है एक जगह के बात लेकिन सब जना स्थापित भ गल या आहां सन जे मैथिल पुत्र तिकास बहुत राश शहर के अपेक्षा बढ़ गया कारण पूर्णिया के स्थापित अं पूित तो और जो बड़का बड़का शहर है जे शहरीकरण अपना आपके देख रहा है ता दरभंगा एक बहुत बड़का नाम है उड़ान भाई मिथिला के नया पैंखि लग गया तो कि अभी वाला समय में जैसे पूर्णिया से निकल के दरभंगा दिस हम सब या फिर मिथिला के जोन में सेंटर जोन में हर सब संजीव भाई के जाति देख सकते देखियो हम जमीन भी ओटक खोजब शुरू क्या दिलिए दरभंगा से बहुत फोन आबाद मधुबनी से कि जे चीज़ अह पर्मा सिटी पूर्णिया में बन चूंकि दरभंगा के बहुत लोग हैं सोसाइटी में जी, जी। तो वो सब गृह प्रवेश जब करेन तो हर यहाँ रिलेशन में लोग सब लोगस आ हूंस भले कि इस कंसेप्ट लैके अंत दरभंगा में आओ अ ढंग के सोसाइटी नहीं है उसमें यदि अब खरीदार बहुत उठा। बहुत फोन आबे और जमींदार सके भी फोन आओ हम हर तरह से मदद करब लेकिन जे जहाँ पूर्णिया में बने है वो चीज़ दरभंगा में बनाओ इवन अहाँ के देवघर से भी बहुत लोग के फोन आबे कि हम जमीन भी दे रहे हैं आपको अपाइए हमारे यहाँ काम कीजिए तो हर सब प्लानिंग भी है जमीन दे रहा और बहुत जल्दी सब दरभंगा में एक स्टार्ट कर चूंकि एक शुरूए में कहने रही डिफ्रेंट डिफ्रेन्टर शाखा ब्रांचेस जी अगर निकल रही चाहे वह हॉस्पिटलिटी होल्थ होडुकेशन हो कौन रूप में जैसे पैनोरमा और संजीव मिश्र के हम अपग्रेडेड देख हो देखियो हम बताबे हम रियल एस्टेट के काम कर रही रियल एस्टेट के साथ साथ जे जरूरत के चीज है पूर्णियाँ में हम जो भी कम्प्लीट रियल एस्टेट के काम ये होटल के काम ये व्यापार कर लेकिन हम जैठ बैठल व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं जो जो जो। कि भाई हमारे गांव में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए एक बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए कोई बीमार पड़ जाए पूर्णिया जा, 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 जा बहुत आदमी एक्सपायर कर डेथ कर जा जा। तो रहा कि चूंकि हॉस्पिटल के भी कहानी से हमारे कुछ रिलेशन में जा पूर्णिया पहुँचलखर साथ दिक्कत भैगल तैयार है कि नहीं गाँव में भी एक हमारा हॉस्पिटल खोलना है लेकिन अभी हम जे भी पाव पसार रियल एस्टेट में व्यापार के दृष्टिकोण से वो रियल एस्टेट में ही करें बहुत सुंदर तो तरह चीज़ बहुत बढ़िया अपने कहा व्यापार एक अलग चीज है और गाँव के सेवा चीज अलग चीज बहुत बढ़िया चीज़ लगा खासकर मैथिल युवा सब हर तरहक समाज में हर तरह लोग समाज के निर्माण हो यूपीएससी बीपीएससी हेक चाहिए आ इंजीनियरिंग हेक चाहिए मेडिकल हेबाज चाहिए कारण नहीं हॉस्पिटल बनेबे में डॉक्टर्स नहीं रहते काज के चलते तो हर तरह चीज़ हो चाहिए मुदा व्यवसायी वर्ग नहीं रहते तो देश के इकोनॉमी देश के अर्थव्यवस्था के अगर क्यों गोटे चला रहा है, तो व्यवसाये चला रहा है। तो जे मैथिल बच्चा सब जिनका से इंस्पिरेशन भेट सक के अपन रोल मॉडल मानि सकते हैं हमको की आह्वान कर चाहबन कि देखियो हिंदा के लिए एक मैसेज है हमारे तरफ से कि अब कोई भी व्यापार तो के कमेंट भी आये दिक्कत भी आए तो के दोनों चीज़ के फेस कर पड़त और पेपर वर्क दुरुस्त राखू के हडल जरूर आत पेशेंस राख के रखकर अगा बढ़ू और शुरू में ही के दिक्कत आएत फिर के हर तरह से आदमी कमेंट करत वह आदमी कॉम्प्लीमेंट भी देत शुरू शुरू में जब अब व्यापार करबे बहुत तरह के परेशानी आये हम जब स्टार्ट कर लिए त सिर्फ पैसा के दिक्कत नहीं पेपर के दिक्कत नहीं भाग दौड़ना और अलावा कमेंट भी बहुत मिले थे। कि फेल कर जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो इस सब चीज़ के सुनवा नहीं है सब आगा बढ़ू और सबके बढ़िया हेतु और लगे क्षेत्र के बहुत डेवलपमेंट बाकी एखन डेवलपिंग एरिया से मेहनत करबे तो स्कोप अभी जे यूथ जात व्यापार में उनका लेल बहुत अच्छा स्कोप रहता है वाला समय में एक तो एक संक्षेप जैसे सबके बातचीत और पहल बातचीत छल हम कोशिश करब के साइट, साइट हैं के है कंस्ट्रक्शन साइट है वहीठान चली के कुछ विजन तक देखिए कि सुनी कि बताबी तो अगला अपना सबके बातचीत ऑन ग्राउंड अगर राखी तो हमारे अगर चूंकि मिथिला मिरर और अँ के चैनल से हम एक जरूर मैसेज देख कि देखियो कि लोग मिथिला के मतलब पर्टिकुलर एक कास्ट के जोड़े तो हम जते भी के दर्शक अच्छा उनका से निवेदन करब यह चीज़ आगा भी पहुंचाओ कि मिथला सिर्फ एक जाति नहीं छे हम इस क्षेत्र में चाहे कास्ट के कोई भी समुदाय के लोग सब मिथिला के लोग छी और सब मिथिलांचल पर जोर दियो आगा बढ़ो एक और आगा बढ़ो आ, बहुत सुंदर बात कहलन है पहल बात तो कोनो भी काज करबे चुनौती एनाई स्वाभाविक है जहिया शुरू करब चुनौती बेसी होते, मुदा जे आदमी कमेंट करता सह कॉम्प्लीमेंट देता बस चीज के समय पर छोड़ देवे और समय जे से सबसे सब बड़का नीति निर्माता है सबसे सब बड़का नीति निर्धारक है और वह तय करे कल के संजीव जी बनते वा वाई जगह पर दोसर सफल मैथिली पुत्र है मिला मिरर से बात करवा के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत दन्यवाद। के धन्यवाद अहनवादे दूर से कवर करे के लिए और पूर्णिया आओ अच्छा लगत अ के के एक मिला पुत्र भी कुछ मेहनत कर रहा है बहुत बड़ा त नहीं लेकिन कोशिश कर रहे बड़ा बनाबे के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद ये है पैनोरमा ग्रुप के चेयरमैन एक कर्ता धर्ता संजीव मिश्र और बहुत सोझरायल से बात कहलन है जे अगर सब बिजनेस क सकते तो हम कि नहीं अगर हमरा घर नहीं छल तो हमारे टारगेट ई मात्र नहीं छल जे हमरा अपने टा घर हुए टारगेट हमारे छल जे अपनो घर हुए और वही के संग संग दूसरों के घर हुए तो यह जे छे से एक टा विजन छे और वह कुछ विजन लोग का जे छे से हम उन सब चल रहा थी जे मिथिला मतलब किशनगंज से लोग का शिवहर और मधुवनी से लोग का वैशाली तक जब वर्तमान भारतीय स्वरूप में बात करी बिहार के परिपेक्ष में अगर बात करी तो तमाम क्षेत्र में जैसे से सब पैर पसारी हमों सबके सहयोग भेट और अंत में एक बात मिथिला के बात सिर्फ और सिर्फ माथी में भ सकती है चाहे हम खा ले हमें खाई चीज या तुह तो खाई छह आजुक अंक में एवबा अगला अंक में फिर कोहन मिथिला पुत्र संगे लेल जो चैनल यूट्यूब पर देख रहा है तो सब्सक्राइब दिए और जब फेसबुक पर देख देखा तो लाइक और शेयर करना नहीं बिसरी बहुत बहुत धन्यवाद जय जै मिथिला, जय हिंद